मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज अपना टॉपिक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड अपेंडिजेज ऑफ प्रोन या पेलीमोन, प्रोन को पेलीमोन भी बोलते हैं, उसकी बाह्य संरचना और उसके अंदर जो पाए जाने वाले उपांग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो बाह्य कैरेक्टर है उसमें क्या क्या शामिल करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटाट, एक्जोस्केल्टन और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपांग। उपांग में तीन प्रकार के उपांग है, सिफेलिक, थोरेसिक और एब्डोमिनल अपेंडेजेज, और उसके बाद में उसके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो अपर्चर्स है उनके बारे में जानेंगे। ये प्रोन या पेलीमोन का डायग्राम है। इस डायग्राम को देखने से ये लग रहा है कि ये इसका आगे का हिस्सा है, जबकि ये आगे का नहीं है, आगे का हिस्सा ये है। सबसे आगे इसमें रोस्टम निकला रहता है, ये इसका हेड है और ये इसका थोरेक्स है। यहाँ पर हेड और थोरेक्स है वो दोनों जुड़ जाते हैं और सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं बॉडी। और इसके पीछे ये एब्डोमेन के सेगमेंट है, 6 सेगमेंट पाए जाते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। 19 जोड़ी इसके अंदर उपांग पाए जाते हैं। एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन लेते हैं। क्लासिफिकेशन में फाइलम आर्थ्रोपोडा है क्योंकि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मैंडिबुलेटा है, क्लास इसकी क्रस्टेशिया है, सब क्लास मेलिकोस्ट्रेका, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस पेलीमोन और स्पीसीज है मालकोसोनाई। यहाँ अपन जिसका अध्ययन करेंगे वो मालकोसोनाई स्पीसीज है। इंडिया में अन्य और भी स्पीसीज पाई जाती है जिनके नाम अपन ने यहाँ लिख रखे हैं, पेलीमोन कार्सिनस, पेलीमोन आईडी, पेलीमोन लेमेरी, पेलीमोन रूडिश और पेलीमोन मालकोसोनाई। हैबिट एंड हैबिटाट, ये जंतु फ्रेश वाटर है, पेलीमोन या प्रोन है वो स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, स्वच्छ जल रिवर्स में मिलता है, स्ट्रीम में मिलता है और पॉन्ड्स में मिलता है। ये प्रोन है वो इंडिया के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। ये नॉक्चर्नल है, रात्रि चरे ये, दिन में ये समुद्र, गहरे समुद्र में चला जाता है, गहरे फ्रेश वाटर में चला जाता है और दिन में है वो, रात को है वो ऊपर सरफेस में आकर के और वो अपना भोजन प्राप्त करता है। पानी के अंदर ये बॉटम में पैंदे में अपने 5 जोड़ी टांगों की सहायता से चलता है और तैरने के लिए इसके अंदर 5 जोड़ी प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। ये जंतु ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है लेकिन फिर भी इसका पसंदीदा भोजन है वो एल्गी, मोस और कीट्स होते हैं। इसमें ऑटोटोमी पाई जाती है। ऑटोटोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ डिजायर्ड बॉडी पार्ट्स। ये अपने अंगों को है वो अपनी इच्छा के अनुसार त्याग सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है। ये सीजनल ब्रीडर है। सीजनल ब्रीडर का मतलब ये मई और जून के अंदर है वो रिप्रोडक्शन करता है और इसमें जो एग है वो फीमेल है वो जो एग होता है उनको एब्डोमिनल अपेंडेजेस के ऊपर दहन किए हुए रखती है। साइज इसकी मोस्टली 6 से 8 इंच होती है। शेप है इसकी इलोंगेटेड होता है, साइलेंट्रिकल होती है और स्लाइटली कंप्रेस फ्रॉम साइड टू साइड। कलर है इसका पेल ब्लू कलर पाया जाता है इसमें। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना अगर इसके अपन देखें तो इसके कंप्लीट बॉडी जो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक तो सिफेलोथोरिक्स है और एक एब्डोमन है। अभी मैंने बताया कि जो आगे वाला भाग है वो सिफेलोथोरिक्स होता है जो कि हेड और थोरिक्स से मिलकर के बना होता है। तो ये एंटीरियर पार्ट है, सिफेलोथोरिक्स है वो एंटीरियर पार्ट है और जॉइंटेड होता है, अनजॉइंटेड होता है और सिलेंड्रिकल। ये हेड और थोरिक्स से मिलकर के बनता है। हेड के 5 सेगमेंट होते हैं और थोरिक्स में 8 सेगमेंट होते हैं। इस प्रकार सिफिलोथोरिक्स में टोटल 13 सेगमेंट पाए जाते हैं और प्रत्येक 13 सेगमेंट में है वो जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं, संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। दूसरा बॉडी का पार्ट है एब्डोमन। ये पॉजिटिव भाग है, ये मूवेबल है, जॉइंटेड विच कैन बी फ्लेक्स फॉरवर्ड अंडर द सिफिलिस। जो एब्डोमन है उसमें 6 खंड होते हैं और 6 खंडों के अंदर जो प्लेट्स होती है वो आपस में है वो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़ी रहती है और उस मेम्ब्रेन की वजह से ही वो जंतु जो है अपना एब्डोमन वाला सिरा है, एब्डोमन वाला भाग है, उसको ऊपर और नीचे कैसे भी मूव कर सकता है
और इसी एब्डोमन के लास्ट में एक कॉनिकल पीस पाया जाता है जिसको टेलसन बोलते हैं। लगता वो अपेंडिज जैसा है बट वो अपेंडिज नहीं है, टेलसन कहलाता है। और इस एब्डोमन में 6 सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर एक अपेंडिज लगा रहता है जिसको प्लियोपोड्स कहते हैं और वो उसके तैरने में काम आता है। एक्सोस्केलेटन, इसके शरीर के ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, क्यूटिकल का बना होता है, लेकिन यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का खूब सारा डिपोजिशन होता है। ये यहां पर अपने दिखा रखा है, ये इसका एक्सोस्केलेटन है, ये जो क्योंकि बॉडी का पार्ट, बॉडी अंदर से लेकिन ये सारा का सारा ये अपने को दिखाई दे रहा है, ये एक्सोस्केलेटन ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो जो सिफेलोथोरिक्स है उसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको अपन कैरापेस बोलते हैं। बट इसकी जो पोजीशन के आधार पर, ये जो एक्सोस्केलेटन है उसको पोजीशन के आधार पर अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे डोर्सल शील्ड, रोस्ट्रम, कैरापेस, डोर्सल प्लेट, ब्रिंकोस्टेजाइट, हिपेटिक स्पाइन और ऑर्बिटल नोच। तो अभी अपन देखिए ये भाग कैरापेस है, ये जो पीछे का भाग है ये कैरापेस कहलाता है, आगे का भाग है वो जो एक्सोस्केलेटन का आगे का भाग है वो डोर्सल शील्ड कहलाता है। जो आगे निकल गया एकदम से इस तरीके से आगे जो निकला हुआ ये पोर्शन रोस्ट्रम कहलाता है, और जो साइड में लटका हुआ जो पोर्शन होता है उसका नाम है ब्रिंकोस्टेजाइट और गिल कवर, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ब्रिंकोस्टेजाइट, और इसको गिल कवर भी बोलते हैं क्योंकि इस वाले भाग के नीचे गिल्स होते हैं। तो इसमें खूब सारे जो एक्सोस्केलेटन है उसके कई पार्ट बना रखे हैं अपन ने अध्ययन की दृष्टि से। यहाँ पर इसमें हिपेटिक स्पाइन भी पाया जाता है और एक एंटीनल स्पाइन, और यहाँ आगे जहां से रोस्ट्रम निकलता है वहां पर एक खांच होती है जिसको ऑर्बिटल नोज बोलते हैं, और उस ऑर्बिटल नोज में से ये कंपाउंड आई बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जब अपन एब्डोमन के जो स्केलेटन है, कंकाल है, उसकी अगर चर्चा करें तो यहाँ पे एब्डोमन में ये 5 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट दिखा रखे अपन ने, प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर ये प्लेट्स दिखाई दे रही है, इस तरीके की प्लेट्स होती है जिनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। तो ये प्रत्येक खंड के ऊपर स्क्लेराइड्स पाई जाती है। अब इनका नामकरण सबका अलग अलग है, जैसे ये अपन ने एक पोर्शन दिखा रखा है एब्डोमन का जिसमें ये ऊपर की साइड में जो ये प्लेट है एक्सोस्केलेटन की, बाह्य कंकाल की जो प्लेट है वो टर्गम कहलाती है, और जो नीचे की साइड वेंट्रल साइड के अंदर जो प्लेट है वो कहलाती है डोर्सल की एट्रगम, वेंट्रल की स्टर्नम, और साइड की जो होती है वो प्लिरोन कहलाती है। तो ये टर्गम है, ये ऊपर का डोर्सल भाग टर्गम, और ये नीचे का स्टर्नम, और ये जो लेटरल साइड में दोनों साइड में ये वाली कहलाती है प्लिरोन, और ये प्लिरोन है। यहां पर एक प्लेट और है एपिमिरोन, ये एपिमिरोन जो प्लेट है इट इज स्मॉल प्लेट कनेक्ट अपेंडिजेस टू द बॉडी। तो ये यहां पे ये जो प्लेट दिखा रखी है अपन ने ये क्या है एपिमिरोन, और ये एपिमिरोन है प्लेट है उसी के ऊपर है अपेंडिजेस लगा रहता है और जो बॉडी को जोड़ता है। इस तरीके से ये अपन ने अपेंडिजेस दिखा रखा है और ये यहां पर एपिमिरोन दिखा रखा है और ये बॉडी का भाग है। तो इसमें सुविकसित है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब अपन इसके अपेंडिजेस की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 19 जोड़ी अपेंडिजेस पाए जाते हैं, प्रोन के अंदर 19 जोड़ी अपेंडिजेस है, और उन 19 जोड़ी अपेंडिजेस को अपन ने 3 श्रेणी में बांट रखा है। जो सिफेलोथोरिक्स के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं सिफेलिक अपेंडिजेस, और थोरिक्स से ऊपर होते हैं उनको थोरेसिक अपेंडिजेस, और एब्डोमन के ऊपर होते हैं। यद्यपि सिफेलिक भाग जो हेड होता है और थोरिक्स से होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ये जो 5 और 8 खंडों से मिलकर रखे हेड जो है, 5 खंड होते हैं थोरिक्स में, 8 खंड होते हैं, ये 13 खंड मिलकर के क्या बनाते हैं सिफेलोथोरिक्स, और ये एब्डोमिनल 6 सेगमेंट होते हैं। तो हेड वाले भाग पे 5 सेगमेंट होते हैं जिनको सिफेलिक अपेंडिजेस कहते हैं। सिफेलिक में एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैगजिला और मैगजिलोली। थोरेसिक अपेंडिजेस 8 होते हैं, फर्स्ट मैगजिलिपिड, सेकेंड मैगजिलिपिड, थर्ड मैगजिलिपिड, फर्स्ट वॉकिंग लेग, सेकेंड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग, फोर्थ वॉकिंग लेग और फिफ्थ वॉकिंग लेग। इसी तरीके एब्डोमन में ये 5 जोड़ी तो प्लियोपोड पाए जाते हैं और एक होता है यूरोपोड। इस प्रकार इसमें
छह अपेंडिजेज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 19 अपेंडिजेज उपांग पाए जाते हैं, संधियुक्त उपांग बोलते हैं इनको। इन 19 जोड़ी उपांगों को अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये पांच जोड़ी जो दिखा रखे हैं ये सिफेलिक है, ये आठ जोड़ी थोरेसिक है और ये छह जोड़ी है वो एब्डोमिनल है। तो ये यहाँ पे अपन ने नाम दर्शा रखे हैं, एंटीनूस है, एंटीना है, मैंडिबल्स है, मैगजिलुला है, मैगजिला है और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैगलिपीड दिखा रखी है। ये तीन मैगलिपीड है और ये पांच जोड़ी टांगे हैं और ये पांच क्या है प्लियोपोड, ये पांच प्लियोपोड्स होते हैं और ये एक बड़ा सा दिखा रखा है वो यूरोपोड कहलाते हैं। अब अपन आगे एक एक को लेते हैं। पहले एक टिपिकल अपेंडिजेज की बात करते हैं, एक वास्तव में टिपिक ये अपेंडिजेज कैसे होते हैं। यहाँ पर प्रोन के अंदर जो अपेंडिजेज होते हैं वो बायरेमस होते हैं, बायरेमस है द्विस्वाखित अपेंडिजेज होते हैं। तो बॉडी के अपेंडिजेज का जो भाग बॉडी के लगा रहता है उसको प्रोटोपोडाइट कहते हैं और इस प्रोटोपोडाइट के ऊपर दो खंड होते हैं, एक तो कोक्सा होता है और एक होता है बेसिस, और इस बेसिस के ऊपर दो रेमी या दो ब्रांच निकली रहती है जिसको बोलते हैं एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। देखिए ये एक अपेंडिजेज है, इस अपेंडिजेज में सबसे पहला भाग क्या कहलाता है प्रोटोपोडाइट और इस प्रोटोपोडाइट के दो पोर्शन होते हैं कोक्सा और बेसिस, और कोक्सा और बेसिस, और बेसिस के ऊपर दो होते हैं वो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। एंडोपोडाइट जो बॉडी में अंदर की तरफ होता है वो एंडोपोडाइट कहलाता है और जो बाहर की तरफ होता है वो एक्सोपोडाइट कहलाता है। ये देखिए आप यहाँ पे ये यूनिरेमस है और ये बायरेमस है। प्रोन में भी सारे के सारे अपेंडिजेस बायरेमस नहीं होते हैं। तो जैसे ये बायरेमस में देखिए ये पूरा का पूरा प्रोटोपोडाइट है, तो ये पहला भाग कोक्सा, ये दूसरा भाग बेसिस और ये एक्सोपोडाइट और ये एंडोपोडाइट। इस प्रकार से ये एक टिपिकल संरचना दिखा रखी है अपन ने, एक अपेंडिजेज किस प्रकार का होता है। यूनिरेमस अपेंडिजेज में क्या सीधा कोक्सा बेसिस और बेसिस के ऊपर ये पांच खंड लगे रहते हैं, तो ये यूनिरेमस एक साखी, ये द्विशाखी। यहां पर देखिए आप दोबारा दिखा रहे हैं आपको, ये बॉडी वॉल है जंतु की बॉडी। अब बॉडी के जो भाग लगा वो क्या कहलाता है प्रोटोपोडाइट। इस प्रोटोपोडाइट के दो भाग होते हैं कोक्सा और बेसिस और इसके ऊपर दो लगे रखते हैं, एक तो ये एक्सोपोडाइट जो बाहर की तरफ होता है और ये एक एंडोपोडाइट। तो ये एक सामान्य संरचना है, ये एक टिपिकल संरचना है अपेंडिजेज की। यहां पर अपन देखेंगे हर प्रकार का जो अपेंडिजेज है वो संरचना में अलग है लेकिन मूलभूत संरचना उसकी यही होती है। तो इनमें क्या क्या वेरिएशंस है, किस प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं, अपन एक एक को लेते हैं यहाँ पे। तो पहले लेते हैं सिफेलिक अपेंडिजेज, ये अपन ने बताया पांच होते हैं और इन पांचों में एंटीनूल, एंटीना, मैंडिबल, मैगजिला और मैगजिलरी। सबसे पहला एंटीनूल, प्रोटोपोडाइट इज थ्री सेगमेंटेड। अभी अपन ने बात करी थी कि प्रोटोपोडाइट दो सेगमेंट होता है लेकिन यहां पर देखिए प्रोटोपोडाइट थ्री सेगमेंटेड है, यानी कोक्सा और बेसिस के अलावा एक सेगमेंट और आ गया। तो ये देखिए ये कोक्सा ये बेसिस, लेकिन कोक्सा और बेसिस से पहले बेसिस से भी बड़ा एक और खंड है, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कराता है प्रीकोक्सा। तो यहां पर एक खंड हो गया प्रीकोक्सा, फिर एक कोक्सा और उसके बाद में बेसिस, यानी यहां पर प्रोटोपोडाइट है वो तीन खंडों का होता है। ये जो एंटीनोल है वो इक्विलिब्रियम सामने बनाए रखता है और इस बेसिस के ऊपर दो फिलर लगे रहते हैं, एक आउटर फिलर है और एक इनर फिलर है। आउटर फिलर भी बाइफर्केटेड है, ये बाइफर्केटेड है, इसमें जो आउटर फिलर है वो बहुत लंबा होता है और जो इनर वाला है वो थोड़ा छोटा होता है। दे आर टेक्टाइल, तो ये टेक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीना, एंटीना में भी क्या देखो, ये यहां पर कोक्सा है, यहां पर बेसिस है और बेसिस के ऊपर ये एक लगा हुआ बहुत बड़ा एक्सोपोडाइट जो पत्ती के समान दिखाई दे रहा है, ये एक्सोपोडाइट है। यहां पर इसको स्क्वेमा भी बोलते हैं और ये लंबा सारा एंडोपोडाइट है। इट वर्क्स एज बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान ये है वो बैलेंसिंग का काम करता है। और इसके अलावा यहां पर देखिए बेसिस के पास में एक छिद्र होता है, बेसिस के पास में एक छिद्र है जिसका नाम है यूरिनरी ओपनिंग, रीनल ओपनिंग पाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो यहाँ कोक्सा में पाई जाती है और कोक्सा में यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसका नाम क्या
रीनल अपर्चर या यूरिनरी अपर्चर, इसका मतलब ये उत्सर्जन में हेल्प करती है। तो एंटीना का क्या काम हो गया, सेंसरी भी है, एक्सक्रीटरी भी है और बैलेंसिंग का काम भी करती है। इससे पहले अपन ने एंटीना पढ़ा था, तो ये टेक्टाइल है। टेक्टाइल के साथ में देखिए यहाँ पे जो प्रीकॉक्स है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुट्टी का, जो इस जंतु का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये एंटीनोल और ये एंटीना। थर्ड आता है मैग्जिला, प्रोटोपोडाइट टू लोब्ड। अब यहां पर जो प्रोटोपोडाइट है उसके दो लोब है, कोक्सा और ये बेसिस, कोक्सा और बेसिस। और कोक्सा और बेसिस, बेसिस से देखो एक जो प्रवर्ध निकले हुए हैं एंडाइट, ये एंडाइट बोलते हैं इनको, और इनके ऊपर खूब सारे रोल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सिलेंडर आकार एंडोपोडाइट मिला है, और एंडोपोडाइट के पास में ये बड़ा सारा पत्ती के समान इसका एक्सोपोडाइट है। यहां पर इसको स्फेग गनथाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पानी की जो धारा होती है गिल्स के ऊपर प्रवाह करने में उसमें हेल्प करते हैं। तो ये मैग्जिला भी रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और भोजन का परिचालन करता है, अपने जैसी जीभ काम करती है उस प्रकार से यहाँ पर ये है मैनिपुलेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। मैंडिबल, नाम से स्पष्ट है कि ये चबाने का काम करता है, दांत होते हैं क्योंकि इसके ऊपर, तो दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द माउथ, माउथ के दोनों साइड में पाए जाते हैं। बेसल पार्ट ऑफ कोक्सा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मोलर इंसिजर प्रोसेस। यहाँ पर कोक्सा और बेसिस है वो दोनों मॉडिफाई हो गए, और दोनों मॉडिफाई होकर के कंप्लीट नाम दे दिया एपोफाइसिस। तो ये प्रॉपर एपोफाइसिस है और ये एपोफाइसिस का हेड होता है, और इस हेड से दो प्रोसेस निकलते हैं, एक का नाम है इंसिजर प्रोसेस, ये इंसिजर प्रोसेस है, और ये मोलर प्रोसेस होता है। जो इंसिजर प्रोसेस होता है उसके ऊपर तीन दांत पाए जाते हैं, और जो मैंडिबुलर प्रोसेस होता है उसके ऊपर पांच से छह दांतों की प्लेट्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सोपोडाइट अब्सेंट है, बट एक मैंडिबुलर पल्प पाया जाता है इसके आउटर साइड में। ये एक्चुअली में ये एंडोपोडाइट है, यहाँ पर एक्सोपोडाइट अब्सेंट है, एंडोपोडाइट पाया जाता है एक मैंडिबुलर पल्प के रूप में, एक्सोपोडाइट यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो द मैंडिबल आर मेस्टिकेटरी इन फंक्शन, भोजन को चबाने में का में हेल्प करती है। फिर आता है मैग्जिला, मैग्जिलुला, इसमें भी देखिए दो लोब है, कोक्सा और बेसिस, एंडोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट यहाँ पर भी गायब है, नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक टिपिकल संरचना है वो अपन ने एक सामान्य संरचना बना रखी है, लेकिन फिर भी हर उपांग के अंदर कोई ना कोई अलग वेरिएशन मिलता है। तो ये भी मैनिपुलेशन, भोजन का परिचालन या जीभ की तरह काम करता है, जो कि माउथ के अंदर है वो भोजन को चबाते समय है वो पलटने का काम करते हैं। थोरेसिक अपेंडेजेज, ये थोरेसिक अपेंडेजेज अपने को पता है आठ होते हैं, जिसमें दो फर्स्ट मैग्लिपिड, सेकेंड मैग्लिपिड और थर्ड मैग्लिपिड और पांच जोड़ी टांगे होती हैं। एक एक को लेते हैं, फर्स्ट मैग्लिपिड, ये फर्स्ट मैग्लिपिड है, ये कोक्सा है, ये पूरा का पूरा प्रोटोपोडाइट है। तो ये कोक्सा और ये बेसिस, बेसिस से निकला हुआ ये एंडोपोडाइट और ये पत्ती के समान एक्सोपोडाइट। इसके अलावा यहां पर एपिपोडाइट और है, ये जो दो संरचना दिखा रखी है अपन ने, ये अतिरिक्त और आ गई। भाई अपन ने कहा प्रोटोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट में कहा कोक्सा और बेसिस, ये कोक्सा और बेसिस, फिर कहा बेसिस से निकलने वाला एंडोपोडाइट, ये एंडोपोडाइट, और फिर क्या आपने कहा कहीं नहीं एक एक्सोपोडाइट और होता है, तो ये इसका एक्सोपोडाइट है। बट यहाँ पर दो संरचना और है, वो क्या है, एपिपोडाइट। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है एपिपोडाइट। नेक्स्ट आता है सेकेंड मैग्लिपिड, टू सेगमेंटेड प्रोटोपोडाइट। यहाँ पर देखिए ये कोक्सा है और ये बेसिस है, कोक्सा और बेसिस। इसके अलावा देखिए ये पूरा लंबा जो दिखा रखा है ये एंडोपोडाइट है इसका, और ये है एक्सोपोडाइट, पांच खंड का बना हुआ ये एक्सोपोडाइट और एक एंडोपोडाइट है। ये जो पांच खंड का जो एक्सोपोडाइट है इसमें खंड कौन कौन से है, मीरस, जो पांच खंड है उसमें ईसियम, मीरस, कॉर्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, पांच खंडों का बना हुआ एक्सोपोडाइट होता है। वहां पर भी अपने फर्स्ट मैग्जिलिपिड में भी देखा था कि एपिपोडाइट होता है, यहां पर भी वहां दो लोब, बाइलोब्ड एपिपोडाइट है, जबकि यहां पर सिंगल एपिपोडाइट है। लेकिन यहां पर एक अतिरिक्त संरचना और है, एक्स्ट्रा
सनसना हो रहा है वो है गिल्स, यहाँ पर गिल भी पाए जाते हैं, इसका मतलब ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। थर्ड मेगलिपीड, इट इज लुक लाइक ए वॉकिंग लेग, एक टांग की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पर थ्री सेगमेंटेड क्या है, एंडोपोडाइट है, ये छोटा सा जो दिखाई दे रखा है ये तो इसका एक्जोपोडाइट। भी सबसे पहले देखिए ये कोक्सा और ये बेसिस, बेसिस के ऊपर निकला हुआ ये एंडोपोडाइट एक्जोपोडाइट और ये इसका ये क्या है एंडोपोडाइट। अब इस एंडोपोडाइट का तीन सेगमेंट है, तीन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ईसीएम और वो पहले वाले दो खंड आपस में ईसीएम और मीरे से वो जुड़े होते हैं और लास्ट वाले जो खंड है कौन से प्रोपोडस और डेक्टाइलस आपस में जुड़ गए, तो एक दो और एक सिंगल क्या पाया जाता है कॉर्पस, जिसे सेकेंड मेगलिपीड के जो स्टार्टिंग के दो खंड है वो जुड़ जाते हैं और लास्ट वाले दो खंड जुड़ जाते हैं और कॉर्पस अकेला रहता है। तो इस तरीके से ये थर्ड मेगलिपीड है। इसके बाद में आती है पांच जोड़ी टांगे, जो पांच जोड़ी टांगे आती है उनमें जो स्टार्टिंग की दो जोड़ी टांगे होती है उनको चिलेट लेग बोलते हैं, चिलेट लेग, और जो लास्ट की तीन जोड़ी होती है उनको नॉन चिलेट बोलते हैं। चिलेट लेग क्यों बोलते हैं, वो इसलिए कि ये आगे से चिमटा नुमा या पिंसर लाइक होती है, इसलिए इनको चिलेट लेग कहते हैं, और बाकी जिनमें चिलेट नहीं है वो नॉन चिलेट लेग कहलाती है। द टिपिकल वॉकिंग लेग हैज टू जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट एंड फाइव जॉइंटेड एंडोपोडाइट, यहाँ पर एंडोपोडाइट जो है वो पांच खंड का बना होता है और वो सेम संरचना है। देखिए ये एक टिपिकल नॉन चिलेट लेग है, टिपिकल नॉन चिलेट लेग, ये देखिए ये वाला फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग चिलेट लेग ये है और सेकेंड चिलेट लेग फीमेल का ये है। तो फर्स्ट चिलेट लेग में क्या होता है, ये कोक्सा है, ये बेसिस है और उसके ऊपर ये पांच खंड पाए जाते हैं, पहला ईसीएम, फिर मीरस, फिर कार्पस, फिर प्रोपोडस, और ये प्रोपोडस है वो एकदम आगे तक बढ़ा रहता है, डेक्टाइलस के बराबर तक आ जाता है। तो ये संरचना क्या कहलाती है, पिंसर लाइक, इसलिए इनको चिलेट लेग कहते हैं। तो ये फर्स्ट चिलेट लेग है, सेकेंड चिलेट लेग भी ऐसी होती है, सेकेंड चिलेट लेग भी इसी प्रकार के कोक्सा बेसिस और वही सेम संरचनाएं पाई जाती है। इसमें एक टिपिकल जो लेग होती है जो नॉन चिलेट लेग होती है वो उसकी संरचना कोक्सा बेसिस और इसके ऊपर खूब सारा बड़ा एक एंडोपोडाइट है जिसमें ये पांच खंड पाए जाते हैं, वही ईसीएम, मीरस, कॉर्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस है। सेकेंड चिलेट लेग यहां पर दिखा रखी है मेल की और ये जो सेकेंड चिलेट लेग दिखा रखी है फीमेल की, इन दोनों में क्या अंतर है, ये जो सेकेंड चिलेट लेग ये फर्स्ट चिलेट लेग है, फर्स्ट चिलेट लेग है, ये मेल में भी ऐसी है और फीमेल में भी ऐसी है, लेकिन जो सेकेंड चिलेट लेग है वो अपने मेल और फीमेल की अलग अलग दिखा रखी है, दोनों में क्या अंतर है, फीमेल के अंदर ये जो सेकेंड लेग है वो बहुत है बड़ा होता है, इतना सा अंतर होता है और बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उसकी ये संरचना दिखा रखी है। तो इस तरीके से इसमें पांच जोड़ी टांगे पाई जाती है जो कि पैंदे में इसको तैरने में हेल्प करती है। उसके बाद में आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एब्डोमिनल अपेंडेज में अपन ने पहले ही बता दिया था कि पांच जोड़ी तो प्लियोपोड्स पाए जाते हैं और एक यूरोपोड होते हैं। तो ये यहां पर देखिए ये फर्स्ट मेल एंड फीमेल, यानी पहला तो मेल और फीमेल का ये हो गया, ये वाला सेकंड किसका, मेल का, और सेकंड फीमेल का ये रहा, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी ऐसा ही होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक बार दोबारा समझिए, ये वाला मेल में है फर्स्ट, ये वाला सेकंड मेल का, मेल का सेकंड, और ये वाला है फीमेल का सेकंड, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ दोनों का। देखिए इसमें क्या अंतर है, देखिए फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडिज है जिसमें देखिए कोक्सा है, बेसिस है, एक एंडोपोडाइट है और एक एक्जोपोडाइट है। ये एक बेसिक संरचना है जो अपने टिपिकल अपेंडिजेज की संरचना की बात करी थी, वो सेम संरचना यहाँ पर है, ये प्रोटोपोडाइट कोक्सा बेसिस, एक एंडोपोडाइट और एक एक्जोपोडाइट। जो सेकेंड मेल का उसमें क्या है, कोक्सा है, बेसिस है, एक्जोपोडाइट है, एंडोपोडाइट है। इसके अलावा यहां पर क्या है, दो संरचना और निकली हुई है, एक तो ये अपेंडिक्स इंटरना और एक अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है, ये जो अपेंडिक्स मैस्कुलाइना है वो यहां पर अब्सेंट है, यानी मेल वाले में क्या पाया जाता है, एक अतिरिक्त प्रबल दौर पाया जाता है जिसका नाम है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना।
ये और ये दोनों संरचना में लगभग समान है, केवल और केवल इतना अंतर है कि जो सेकेंड मेल का होता है उसमें एक प्रवर्त और है, इसका नाम है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। तो इस तरीके से ये पांच जोड़ी प्लियोपोड्स होते हैं और जो कि तैरने में काम आते हैं। लास्ट का जो उपांग होता है वो है यूरोपोड। तो यूरोपोड में क्या है, यहाँ पर प्रोटोपोडाइट नहीं है, कोक्सा और बेसिस दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ करके एक कप के समान संरचना बना रहे हैं जिसका नाम है सिम्पोड, सिम्पोड। और इसके ऊपर दो पत्ती के समान प्रवर निकले रहते हैं, एक तो ये एक्सोपोडाइट है और ये एंडोपोडाइट है, और इसके ऊपर खूब सारी सिलिया पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट के अंदर एक सूचर होती है, बीच में एक दरार होती है, तो ये डायग्राम में अपन ने यहाँ पर दिखा रखा है। प्लियोपोड्स तैरने के काम आते ही है। यूरोपोड्स क्या, जो छठा खंड होता है उसके ऊपर है ये पाया जाता है यूरोपोड्स, और ये दे आर लार्ज एंड लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द टेलसन, जो टेलसन होता है उसके दोनों साइड में पाए जाते हैं। द टू यूरोपोड एंड टेलसन टूगेदर फॉर्म ए ब्रॉड टेल फिन। अगर अपन टेलसन को देखें, टेलसन के दोनों तरफ क्या है यूरोपोड, तो ये कंप्लीट संरचना एक फिन के लाइक संरचना बनती है। अब इसका काम क्या है, यूरोपोड जब जंतु पानी के अंदर तैरता है और तैरते समय उसके सामने अगर कोई भी बाधा आती है या उसका शिकारी आता है, प्रीडेटर उसका शिकारी आता है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन चेंज करते वो क्या करता है कि इसके जो एक्सोपोडाइट और जो एंडोपोडाइट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट बहुत बड़े बड़े हैं, इनको पानी की सतह पर रख करके ये उछल करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इस प्रकार से ये एब्डोमिनल अपेंडिजेस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन लेते हैं एक्सटर्नल अपर्चर्स। तो यहाँ पर 6x6 अपर्चर दिखा रखे, इसकी बॉडी के अंदर 6 छिद्र पाए जाते हैं। पहला माउथ है, इट इज ए स्लिट लाइक अपर्चर सिचुएटेड मिड वेंट्रली बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, तो हेड के नीचे आगे वाले साइड में माउथ। रीनल अपर्चर, ये अपन ने अभी चर्चा की थी कि जो एंटीना होती है उसकी कोक्सा के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है, और उस एंटीनरी ग्लैंड का जो छिद्र होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रीनल अपर्चर। फीमेल जेनिटल अपर्चर, फीमेल के अंदर जो थर्ड वॉकिंग लेग है, थर्ड वॉकिंग लेग के ऊपर जो कोक्सा है उस कोक्सा के ऊपर एक छिद्र होता है, वो फीमेल जेनिटल अपर्चर है। इसी तरीके से मेल जेनिटल अपर्चर, तो जो पांचवी जोड़ी टांग है उसकी जो कोक्सा है उसके ऊपर जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, मेल जेनिटल अपर्चर। ओपनिंग ऑफ द स्टेटोसिस्ट, अभी अपन ने एंटीनोल की बात करी थी, तो एंटीनोल में क्या पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट, तो वो भी वहां पर उसका छिद्र पाया जाता है। तो पेड सिचुएटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द प्रीकोक्सा ऑफ द एंटीनोल्स, एंटीनोल की प्रीकोक्सा के ऊपर ये छिद्र पाया जाता है स्टेटोसिस्ट का। स्टेटोसिस्ट है वो तैरने में इक्विलिब्रियम बनाने में, संतुलन बनाने में हेल्प करता है। एनएस लॉन्गिट्यूडिनल अपर्चर लाई एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टेलसन, तो ये टेलसन की नीचे वाली सतह के ऊपर पाया जाता है एनएस। तो इस प्रकार से इसकी बॉडी के अंदर ये 6 छिद्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। आज अपन ने ये प्रोन शुरू किया है, तो आगे इसका एक एक सिस्टम को अपन पढ़ते रहेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।